ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 5 जनवरी 1977 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। इस मुरली में बाबा ने सदा पास होने वाले बच्चों की 5 निशानियां बताई हैं। पहली है, उन बच्चों की दृष्टि और सृष्टि में सदा बाप दादा और ब्राह्मण ही रहते हैं। दूसरा है कि वह सदा बाप के लव में लवलीन रहते हैं और कुछ देखते हुए भी नहीं देखते। तीसरी निशानी है, वह सदा बाप के गुण अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये रहते हैं। चौथी निशानी है, वह अनेक धर्मों और अनेक देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग करते हैं। पांचवी निशानी है, वह सदा बाप दादा की याद की तपस्या में लगे रहते हैं। फिर आगे बाबा ने पास शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। एक है पास होना, दूसरा है पास रहना माना नियर, और तीसरा है जो बीत गया वह पास हो गया। फिर बाबा ने कहा कि पास में डोनर होने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक है बाप समान समाने की शक्ति और दूसरी है बाप समान बनाने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्टेज बनाने के लिए अकल्याणकारी बोल को सेकंड में कल्याण की भावना में बदल दो। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दो, नुकसान को फायदे में बदल दो और निंदा को स्तुति में बदल दो, तो ऐसी दृष्टि और सृष्टि में रहने वाले को विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्व कल्याणकारी भी कहा जाएगा। ऐसी स्टेज ही बाप समान स्टेज कही जाती है। फिर अंत में बाबा ने कहा कि सदा अपने लक्ष्य और लक्षण को ध्यान में रखना है। तख्तनशीन बच्चे सदा बाप के समीप रहते हैं और सोते हुए भी याद में रहना है। इसकी अगली वीडियो में हम 7 जनवरी 1977 की मुरली का रिवीजन करेंगे जिसका टाइटल है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। अच्छा, ओम शांति।